अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है शाइन रेसिपी ब्लॉग पे मेरा छोटे से किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन क्रिस्पी। तो मैंने आधा किलो बोनलेस ली और देखो उसको इस तरह से मैंने छोटे पीस करी, यानी छोटे ज़्यादा नहीं करना, देखो ऐसे लंबे लंबे पीस करना। तो इसके अंदर मैं मिलाऊँगी थोड़ी सी मैंने मिर्ची पाउडर ली है, ये ऑप्शनल है जो आपको लेना ले। और ये नमक है, ये कसूरी लाल मिर्ची है और ये है काली मिर्च। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे और एक चम्मच में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लोग के यहाँ पाउडर मिलता है अदरक और लहसुन का तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली हूँ एक बड़ा चम्मच मैदे का आटा और यहाँ पे कॉर्नफ्लोर आटा ली हूँ, ये भी इसमें मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो देखो ये मैंने मिक्स कर दिया, अगर आप चाहे तो अंडा डालें नहीं तो स्किप करें। मैं तेल डालूँ इसके अंदर, थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल के साथ हम इसको भी मिक्स करके। तो ये देखो ये आधा घंटा मैंने रखी थी, अब मैं इसको तलने जा रही हूँ या मैं तेल गरम कर रही हूँ। तो मैं अभी इसमें इसको डालती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखो ये मैंने तलने को अभी डाली हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ तल के होने के बाद। तो देखो ये इतना सारा मैं तल के निकाली, अब इसकी ग्रेवी बना रहे हैं। यहाँ तेल लिए ले 3 चम्मच, आप यहाँ कुछ हरी मिर्ची लहसुन और अदरक काट के रखे ले। तो देखो इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे ये भी। तो देखो ये ब्राउन हुआ, अब इसमें एक कांदा डालेंगे जो ज़रा थोड़ा सा ना एकदम बारीक नहीं काटना, थोड़ा स्लाइस काटना ज़रा अच्छे से। तो ये देखो ये कांदा भी इसके साथ ब्राउन करेंगे। तो देखो ये शिमला मिर्च है लाल और ग्रीन, तो ये भी इसको डाल के हम फ्राई करेंगे। तो अब मैं फ्राई होना, देखो फ्राई इस तरह करेंगे कांदे के साथ ही करें तो मैं बताती हूँ। तो देखो इस तरह से थोड़ा क्रिस्पी करें। अब इसमें डालेंगे डार्क सोया सॉस, तो 1 चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे। ये चाइनीज आइटम है और खाने में भी बहुत मज़े का है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 चम्मच विनेगर डालेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर 1 चम्मच सेजवान चटनी भी डालेंगे। तो इसमें रेड चिली सॉस 1 चम्मच डालें। तो इसके अंदर डालेंगे टमाटर सॉस, देखो 1 चम्मच भर के डालेंगे। तो इसमें अभी तक नमक नहीं डाले, तो नमक डालेंगे आपके हिसाब नमक डालना। नमक डालेंगे तो थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे ताकि चटपटा बने थोड़ा। तो देखो अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे जो फ्राई करके रखे लेना, जैसा ऐसा मस्त माशाल्लाह ऐसा रहना नहीं भी देंगे। तो अच्छा है क्रिए और चाइनीज सारे हम लोग, देखो क्रिस्पी है माशा। तो देखो इस तरह से मिक्स कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो इसको इस तरह ही सॉस के साथ खा लीजिए या दाल चावल के साथ स्नैक, मस्त लग रहा है। क्यों होटल में जाके पैसे बर्बाद करने का, जब अपने को आता है तो अपन घर ही में बना के खाएंगे। और होटलों में इतना डालने से अच्छा घर में उससे और ज़्यादा बनता है। तो देखो माशाल्लाह से मैं बताती हूँ। तो इसके अंदर है ना कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा घोल बना के ये पानी भी डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देखो माशाल्लाह से। आप लोग को ये मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर ज़रूर लिखिएगा। मैं बताती हूँ अभी बनने के बाद। तो देखो ये रेस्टोरेंट जैसा मेरा चिकन क्रिस्पी तैयार हो चुका है, तो मैं देखो साथ ही दिखाती हूँ। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप ज़रूर ये बनाने की कोशिश करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अच्छी और नई रेसिपी के साथ।